गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास टेंथ नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 8B का प्रश्न क्रमांक संख्या 9, 10, 11 और 12 इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। बच्चों, अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो, क्वेश्चन में बोला है कि दिखाइए कि कॉस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60 बराबर है आपके माइनस साइन 30 के, है ना। इसका मतलब बराबर का मतलब, बराबर के इधर वाला मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, बराबर के उधर वाला राइट हैंड साइड है। आपको ये बताना है कि ये वाला आपको बराबर करके इसके बराबर लाना है। तो सबसे पहले देख लो जिसका आंसर आसानी से निकले, यानी ये आपके पास साइन 30 की वैल्यू है ना, और जो भी आएगी उसको माइनस से रख लो। अब आपके पास देखो एक टेबल है आपकी बुक में, ये आपके टेबल में है, बुक में टेबल है, इसको आप एकदम अच्छे से याद कर लेना। तो इस टेबल में देखो दिया है साइन कॉस टैन कॉसेक्स एक और कॉट, है ना, और यहाँ 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू है, इसको आप एकदम अच्छे से याद कर लो। अब आप देखो साइन 30 की वैल्यू यहाँ पर साइन है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 है ना। तो सबसे पहले देखो हमारे पास ये हमारा राइट हैंड साइड है ना, उधर वाला राइट हैंड साइड होता है, इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड। तो लिख लो कि राइट हैंड साइड को लिखते हैं आर एच एस है आपका, दिया हुआ है आर एच एस माइनस साइन 30 है ना, तो आर एच एस की वैल्यू माइनस लगा दो, साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2। अब आपको प्रूफ करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड के यानी एल एच एस के बराबर है, तो एल एच एस ले लेते हैं। देखो एल एच एस है आपका, क्वेश्चन लिख लो यहाँ पर कॉस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60, ये दोनों हैं। अब कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू इसमें से देख लो, देखो कॉस है वो कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो 1/2 है ना, तो यहाँ लिख दो कॉस की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, और उसके ऊपर स्क्वायर लगाएं। फिर साइन देखो, साइन 60 की वैल्यू देखो, साइन और ये 60 की वैल्यू √3/2 हो गई, यहाँ लिख दो साइन 60 की वैल्यू √3/2, इनके दोनों इसके ऊपर भी स्क्वायर हो गया। सॉल्व कर लो इसको, देखो ये हमारे पास 1 को कितनी बार भी लिखेंगे 1 1 ही रहेगा, तो यहाँ और ऐसे यहाँ सिंबल लगा दिया करो जिससे पता चले कि नई लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना। तो ये हो गया 1 और नीचे हो गया 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस रूट का मतलब कि आधी वैल्यू, और रूट को दो बार लिख दिया √3 × √3, तो खत्म हो गया 3 हो गया, और यहाँ हो गया 4। अब आप देखो नीचे एलसीएम सेम हो गया ना आपके पास, जब एलसीएम सेम हो गया तो इसको 1 लिख दो, और यहाँ हो गया 1 − 3। 1 − 3 का मतलब 3 में से 1 माइनस हो गया, तो हमारे पास कितना बचा, 3 में से 1 माइनस हुआ तो हमारे पास बचा 2, है ना, और नीचे 4, और साइन किसका, बड़े वाले का, है ना। अब इसको कट कर दो, कट कर देंगे तो देखो 2 1 2 साइन माइनस का, 2 2 4 यानी −1/2, यही वैल्यू तो हमने आर एच एस की भी निकाली थी ना, तो बस यहाँ लिख दो, यानी आपका क्या प्रूफ हो गया कि एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। अब इसका क्वेश्चन नंबर आप 10 देखो बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में बताया है कि दिखाइए tan 60 डिग्री बराबर है आपके 2 tan 30 अपॉन में 1 − tan² 30 के। तो सबसे पहले देखो एल एच एस आपके पास कितना है, tan 60 है ना, तो यहाँ लिख दो एल एच एस बराबर, एल एच एस यानी इधर वाले नंबर को एल एच एस बोलते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं इसको। tan 60 की वैल्यू आप इसमें से देख लो, देखो ये है आपका tan, और tan 60 की वैल्यू यहाँ से देखो tan 60 की वैल्यू हो गई √3, है ना, तो यहाँ लिख दिया हमने tan 60 की वैल्यू हो गई हमारी √3। अब हमें राइट हैंड साइड निकालना है, यानी आर एच एस, क्वेश्चन लिख दो फिर से, देखो 2 और tan 30 अपॉन में हमारा 1 − tan² 30, है ना। अब वैल्यू रख देते हैं, देखो पहले 2 लिख दो, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो गया। आप tan 30 की वैल्यू देख लो यहाँ पर, देखो ये tan है और tan 30 की वैल्यू यहाँ पर देखो 1/√3 है, तो यहाँ हमने लिख दिया 1/√3। फिर अपॉन में नीचे यहाँ देखो 1 − फिर 1 और नीचे अपॉन में √3 और उसका स्क्वायर है, क्यों, सेम वही वैल्यू थी ना tan 30 की। सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखो यहाँ हो गया हमारे पास 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 2/√3, और नीचे यहाँ देखो यहाँ 1 − और 1 को कितनी बार भी लिखो 1 ही रहेगा, और यहाँ वैल्यू हो गई हमारी 3। जब इसको एलसीएम निकाल लो इसका, इसका एलसीएम हो जाएगा आपके पास, तो देखो 2/√3 ऊपर वाले को वैसे का वैसे लिख दो, यहाँ ऐसे लगा दिया करो सिंबल जैसे पता चले कि जहाँ से नया आपका चालू हो रहा है ना। और ये वाला देखो 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 − 1 और यहाँ कितना एलसीएम 3 हो गया। इधर सॉल्व कर दे रहे हो, देखो
तो ये हो गया 2/√3 और यहाँ पर 3 में से 1 माइनस हुआ तो बचा 2/3। अब ये चार फ्रैक्शन बन गए ना, चार फ्रैक्शन को आप रेसिप्रोकल कर दो, यानी 2/√3 ये तो ऊपर वाला तो वैसे का वैसे लिख दो, नीचे वाले को मल्टीप्लाई का ऐसा लगा के उल्टा कर दो, यानी 3/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/1 आ गया ना, और यहाँ पर ये आधी वैल्यू है और इसके पास कितनी वैल्यू है, आधा आधा 2 है ना, तभी तो ये पूरा हुआ, तो यानी इसको एक इसका आधा हम काट दे रहे हैं। ठीक है भाई, इसके पास आधा आधा था, 2 था, तो हमने इसका एक आधा से इसका एक आधा काट दिया, तो एक आधा बचा, यानी वैल्यू कितनी हो गई, √3। और हमारे पास LHS कितना निकला था, √3 निकला था ना, तो लिख दो LHS इज इक्वल्स टू RHS, है ना, ये प्रूफ हो गया। अब इसका आप पार्ट नंबर 11 देखो, देखो पार्ट नंबर 11 है हमारे पास, दिखाइए कि cos 30 डिग्री बराबर है आपके अंडर रूट में 1+cos 60° और अपॉन 2 के। तो देखो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, पहले आप वो लिख दो, यानी ये आपका LHS है, तो यहाँ लिख दो LHS आपका cos 30। अब इसमें देखो cos 30 की वैल्यू cos, और ये 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, यहाँ लिख दो cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2। अब RHS देख लो, यानी राइट हैंड साइड ये आपके पास कितना था, अंडर रूट में 1+ और cos 60 की वैल्यू यहाँ से देख लो, देखो cos, और ये हो गई आपकी 60 की वैल्यू 1/2, यहाँ लिख दिया हमने 1/2, अपॉन में कितना है 2। सॉल्व कर लो इसको, देखो सॉल्व करोगे अंडर रूट में, और ये हमारे पास हो गया, देखो इसके नीचे हमने 1 लगा दिया है ना, फ्रैक्शन में भिन्न बराबर हो गई, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी ये इसको भी 2 से करेंगे, तो 1 2 2 हो गया, यानी LCM हो गया हमारा 2, और यहाँ कितना हो गया, ये 2+1, और नीचे तो 2 अपने आप में ही है। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो अंडर रूट में नंबर रहेगा आपका 2 और 1 3, और अपॉन में कितना 3/2, और नीचे देखो 2 है, इसके नीचे हम अपॉन में एक 1 खुद ही लगा सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन बनाना है पूरा, ये देखो ये पूरा ऐसे है आपका, है ना। फिर यहाँ देखो √3 ये हमारे पास हो गया, इसको अब उल्टा कर लेते हैं, √3 में ही नंबर आने दो, देखो 3/2 इंटू, जब चार फ्रैक्शन होते हैं ना तो चार तो होते नहीं है, दूसरा जब करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, सॉल्व करो, देखो 3 1 3, और रूट में ही नंबर है ना, रूट में ही है, 3 1 3, और नीचे कितना हो गया 4। सेम देखो रूट, ये हमारे पास अब रूट हो गया, नीचे का रूट 4 है, 4 को हम निकाल देंगे क्योंकि रूट में नंबर है ना, 4 को अगर हम बाहर कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें देखो √3 था, तो ये हो जाएगा, देखो ये पूरा रूट में है, और 4 का रूट कितना होता है 2, तो 4 को तो बाहर से इसमें से देखो ऐसा समझ लो, देखो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, 2 के पेयर बन गए ना, तो इस 2 के पेयर में हम 1 को बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो गया, ये तो अंडर रूट में 3 हो गया, लेकिन ये आपका 4 2 हो गया, है ना, और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, यही हमें प्रूफ करना था, तो लिख दो LHS इज इक्वल्स टू RHS, है ना। अब इसका आप पार्ट नंबर 12 देखो बेटा, देखो पार्ट नंबर 12 है हमारे पास, tan 45 डिग्री और अपॉन में 2 sin 30° और -cos 60° का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो tan 45 का मान कितना है, यहाँ पर देखो ये है tan और 45 की वैल्यू है 1, है ना, तो यहाँ लिख दो tan 45 की वैल्यू हो गई हमारे पास 1। अब नीचे देखो यहाँ पर 2 लिख दो इंटू sin 30 की वैल्यू देख लो, यहाँ पर देखो ये sin और 30 की वैल्यू 1/2, यानी ये हो गई 1/2, माइनस का साइन लगा दो, cos 60 की वैल्यू देख लो, देखो cos और ये 60 की वैल्यू 1/2, यहाँ लिख दिया हमने 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये हमारे पास सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 2 से ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास क्या बचा, देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, लेकिन नीचे तो 1 बचा ना, यहाँ भी 1 बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं ऊपर 1 हो गया, और यहाँ पर ये हमारे पास बचा 1/1 - 1/2, देखो यही तो नंबर बचा। अब इसका LCM निकाल लो, इसका LCM कितना हो जाएगा, नीचे वाले का LCM 2 हो जाएगा, तो हम इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ऊपर तो 1 ही रहने दो, और नीचे LCM हो गया हमारे पास 2, ये किस में बदल गया, 1 2 ज़ा, तो ऊपर भी 1 2 ज़ा 2, और नीचे यहाँ पर -1। अब इसको देखो, देखो इसको भी डबल फ्रैक्शन समझो कि ये भी डबल फ्रैक्शन है ना, यहाँ लिख देंगे हम कितना, इसको सॉल्व कर लो, देखो 1/1 और नीचे 2 में से 1 गया तो बचा 1/2। अब इसको उल्टा कर लो, जब हमने इसको उल्टा किया तो हमारे पास आ गया देखो ऐसे 1/1 × 2/1, यही तो हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, देखो 1 से 1 कैंसिल, और ये हो जाएगा हमारे पास इसका नंबर 2, है ना,
ये देखो ये हमारे पास हो गया, इसका आंसर टू। देखो वन से वन कैंसिल हो गया और यहाँ ये हमारे पास ये वन और ये टू है, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ टू लिख दिया, वन वन जो वन यानी खत्म हो गया, नीचे वन लिखने की जरूरत तो है नहीं। यही हमारा आंसर था इसका, क्योंकि इसमें प्रूफ नहीं करना था, इसमें हमें आंसर निकालना था। बच्चों समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही जल्दी से जल्दी देती जाऊंगी, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बच्चों।